हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ACL टेयर जिसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मतलब ACL टेयर होने के पहले आपके इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि क्यों ACL टेयर होता है। नॉर्मली सभी लोग जो चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब काम कर रहे हैं, उसके केसेस में तो ACL टेयर नहीं होता है। प्लेयर्स में भी 100 प्लेयर्स है, 100 प्लेयर्स में 100 प्लेयर्स को तो ACL टेयर नहीं होता है, कुछ कुछ गिने चुने केसेस में ही ACL टेयर क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी बॉडी में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से या आपके जो प्लेइंग का टर्फ है या जो जगह है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या शूज़ में कोई प्रॉब्लम हो, या टेक्निक में कोई प्रॉब्लम हो, या आप फीमेल हो या लड़की हो, तो वो केसेस में आपके ACL टेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नंबर वन जो ACL का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है वो होता है जो आपका कोर्ट है। अगर आप आर्टिफिशियल कोर्ट में खेल रहे हो जिसमें सीमेंट का जो है नीचे टर्फ बना हुआ है, या आर्टिफिशियल ग्रास पे आप खेल रहे हो जिसपे आपके बॉडी का जो वेट है वो पूरा ज़्यादा पड़ रहा है, और पाइवटिंग एक्शन में आपके लिगामेंट पे जो स्ट्रेचिंग है वो ज़्यादा होती है, तो उसमें ACL के टेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज़ होता है बैड फुटवेयर। अगर आपके फुटवेयर ख़राब है और आप उस पर खेल रहे हो तो भी इसमें ACL के टेयर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज वो आपके लिगामेंट पे स्ट्रेचिंग ज़्यादा करने के चांसेस करता है। तीसरा चीज़ होता है हार्डनेस ऑफ द टर्फ और शूज़ और टर्फ में ड्राइनेस। अगर उसकी ड्राइनेस ज़्यादा है तो शूज़ कभी कभी चिपक जाते हैं, उसकी वजह से भी आप जब टर्न करते हो तो आपके लिगामेंट में स्ट्रेच हो सकता है और टेयर हो सकता है। तो चौथी चीज़ है आपके टेक्निक। अगर फॉल्टी टेक्निक है, जो लैंडिंग की टेक्निक है, हम कहते हैं कि अगर आपने फुल स्क्वाट में अपने अगर लैंड कर रहे हैं आप और फुल स्क्वाट पे आप लैंड हो गए और अचानक में आपने अपने बॉडी को टर्न कर लिया या रोटेट कर लिया इस पोजीशन में, तो ऐसे केसेस में ACL के ऊपर प्रेशर्स बहुत ज़्यादा कम से कम 10-20% बढ़ जाता है जो नॉर्मली बढ़ता है, उसकी वजह से भी आपके लिगामेंट्स में टेयर होने के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए कि बाहर वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ACL टेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इंटरनल फैक्टर्स में आपकी बॉडी के जीन्स, कि कोई जीन्स आपके ऑलरेडी मसल्स या लिगामेंट्स को वीक करके रखे हुए हैं, जैसे आर्थराइटिस होता है वैसे ही लिगामेंट में भी कुछ जीन्स होते हैं जिससे वो बढ़ सकते हैं, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपका पैर या जो नी है वो हाइपर एक्सटेंशन में है, मतलब नॉर्मली हमारे नीज़ को स्ट्रेट रहना चाहिए, हाइपर एक्सटेंशन में नहीं रहना चाहिए, बट किसी किसी में कभी कभी ये स्लोप जो होता है ये ज़्यादा होता है, 10 या 20 डिग्री पीछे की तरफ बेंड होता है, ये इंटरनल भगवान ने हमको वैसा बनाया हुआ है। तो ऐसे केसेस में जिसमें 20 डिग्री स्लोप ज़्यादा होता है, वैसे केसेस में भी टेयर के चांसेस ऑलमोस्ट 25-30% बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है फीमेल। अब जो फीमेल्स होती है उनकी बॉडी हैबिटस जो होती है, हिप का रेशियो ज़्यादा होता है, लोअर लिम्स का रेशियो कम होता है, तो ऐसे केसेस में जो बॉडी का डायनेमिक्स है वो बढ़ जाता है और वो आपके अलाइनमेंट या काइनेमेटिक्स को चेंज कर लेता है और ACL के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। तो इसीलिए फीमेल प्लेयर्स में या फीमेल एथलीट्स में ACL के टेयर 30% ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ ये देखा गया है स्टडीज़ के द्वारा कि जो ACL का ये नॉच होता है जो हम देखेंगे, तो ये वाला जो लिगामेंट है ये ACL लिगामेंट है, ये इस नॉच के बीच में है, इस नॉच के बीच में ये जो स्पेस है ये काफ़ी मोटी होती है, इस स्पेस के इसमें इसको मूवमेंट की जगह ज़्यादा मिल जाती है। मेल्स में ये नॉच जो होता है, ये आदमी लोगों में ये नॉच जो होता है ये बड़ा होता है, वाइड होता है, और जो फीमेल्स में है ये नॉच छोटा हो जाता है या पतला हो जाता है। तो ये नॉच जब पतला होता है तो ये लिगामेंट को मूव करने की जगह नहीं मिलती है, तो जब भी इंजरी होती है तो ये लिगामेंट इस नॉच के ऊपर टकरा के टेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जो ACL के टेयर को बढ़ावा देते हैं।
डेफिनेटली अगर इंजरी ही कितनी ही सीरियस हो जाए कि आप बाइक से गिर गए और हाई हैवी वेलोसिटी इंजरी हो रही है या आप कंटिन्यू इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया नी पे तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते। बट ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें ACL टेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें कि इसको बचाए कैसे कि भाई ACL टेयर होने से हम बच कैसे सकते हैं, 30% जो एक्स्ट्रा स्लैब है वो हम कम कैसे करें। तो सबसे पहला है कि शूज़ हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, गुड क्वालिटी के शूज़ होने चाहिए। आर्टिफिशियल टर्फ भी हो तो उसमें जो शूज़ के चिपकने के चांसेस है वो कम हो या चिपक ना जाए ताकि ये ट्विस्टिंग कम हो, ये वाले चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको लैंडिंग या टेक्निक पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा कि लैंडिंग के टाइम पे आपका स्क्वैटिंग के टाइम पे अचानक में पैर टर्न ना हो जाए ताकि ACL पे लोड ना आए। और अपनी जो भी आपके मसल्स है, जैसे आपके जो बाहर वाले मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स है, स्पेशली हैमस्ट्रिंग्स है, क्योंकि अगर आप लैंड कर रहे हो और हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर जोर ज़्यादा कर रहा है तो लिगामेंट से ज़्यादा हैमस्ट्रिंग्स लोड ले रहा है, तो अगर आपने उसको स्ट्रेंथनिंग करी तो वो मसल्स आपके लिगामेंट का लोड लेंगे और उसके रीटायर के चांसेस ज़्यादा होता है। वार्म अप्स कि आपने अपनी बॉडी को प्रॉपर वार्म अप किया, लिगामेंट को टोनिंग दी पहले कि भाई ये चीज़ इसको लिगामेंट को टोन करे और इसके रीटायर को चांस को कम करे, तो वो भी आपको फ़ायदा रहेगा। स्ट्रेचिंग के मसल्स की आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो ताकि मसल्स पे आप जब वर्कआउट कर रहे हो या गेम खेल रहे हो तो उस पर स्ट्रेचिंग कम हो, तो ये सारे चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आपका ACL टेयर से बचा जा सके।